हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ECO02 अकाउंटेंसी 1 ब्लॉक 1 अकाउंटिंग फंडामेंटल यूनिट 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने पिछली वीडियोस में कुछ देखा था, जैसे कि टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, टर्म एंड ड्यू डेट ऑफ बिल्स क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ बिल बाय होल्डर्स एंड इट्स अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ बिल बाय द एक्सेप्टर एंड इट्स अकाउंटिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एकोमोडेशन बिल क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एकोमोडेशन ऑफ बिल्स क्या होते हैं, मान लो कि दो ना पर्सन है, मान लो कि एक पर्सन है ए, तो इस पर्सन को ना अर्जेंटली कैश चाहिए, अभी इसके पास है नहीं। ठीक है, 3 महीने बाद इसकी एफडी पूरी हो जाएगी या किसी क्लाइंट से इसको पैसा मिल जाएगा या कोई अदर कोई ऐसी चीज होने वाली है जिसको जिसके बाद में मान लो 3 महीने बाद इसके पास ना पैसा आ जाएगा और ये 3 महीने बाद जो है वो पैसा दे सकता है। ठीक है, तो अभी इसको अर्जेंटली पैसा चाहिए किसी चीज के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने किसी फ्रेंड के पास जाएगा और इससे बोलेगा कि भाई अगर तेरे पास पैसा है, बी इसके फ्रेंड का नाम है, तो ये उसके पास जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहे, अगर उसको भी क्या है कि अभी कैश की जरूरत है, बट उसके भी साथ यही प्रॉब्लम है कि 3 महीने बाद उसको किसी क्लाइंट से या किसी और अदर पार्टी से उसको ना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसको दे सके। ठीक है, और उसके पास खुद के लिए भी पैसा नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या कहेगा, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ना हम एक ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं उसको। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के नाम पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ करेंगे, दोनों अलग अलग सेपरेट सेपरेट। ठीक है, ये इसके लिए ड्रॉ करेगा, इसको मान लो कि हम दे रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1, और इसने क्या किया, इस वाले ने बी ने ए के नाम के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो 2 बनाया। ठीक है, इसने बनाया 1 और इसने बनाया 2। अब ये क्या करेंगे, इसका मान लो कि इसका पंजाब नेशनल बैंक में है, पीएनबी में अकाउंट है, और इसका है मान लो यूनियन बैंक में या किसी अदर बैंक में, यूनियन बैंक में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा, अब ये दोनों क्या करेंगे, अब इनके पास बिल ऑफ एक्सचेंज तो है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है हमारे पास, तो हम बैंक से जाके अभी उस टाइम के लिए पैसा ले सकते हैं ना, तो बैंक हमें उस पैसे को क्या करता है, कुछ डिस्काउंट का अमाउंट काट लेता है और उसके बाद में जो पैसा होता है वो हमें दे देता है। ठीक है, तो ये जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर इसके पास में। ठीक है, और उसके बाद में ये जाएगा अपने बैंक में। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ से कैश तो ले लेंगे और उसके बाद में जब इनका 3 मंथ्स का जो मैच्योरिटी टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो बैंक क्या करेगा, इन दोनों से इनसे पैसे जो है वो कलेक्ट कर लेगा और जब तक इनके पास भी पैसा आ जाएगा। तो बिजनेस में ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, ठीक है, इसको मान लो कि एक तरह का लोन है। ठीक है, दोनों के लिए लोन ही है, तो बट इसको हमने क्या नाम दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों ड्रॉ करते हैं एक दूसरे के नाम पर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन ऑफ बिल। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसकी जो मेच्योरिटी डेट थी वो कितनी थी, 3 मंथ्स 4 मंथ जितनी भी हो सकती है, वो इसका डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक बंदा भी इस मतलब कर सकता है, इसके नाम पर लिख सकता है, या फिर दूसरा पर्सन भी कर सकता है, या फिर बोथ पार्टीज भी इस चीज को कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको एकोमोडेशन ऑफ बिल्स क्लियर हुआ होगा कि किस क्या कहते हैं, इसकी एंट्रीज किस तरह से की जाती है, अब वो देख लेते हैं। तो एंट्री के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 1, 3, 1999 वॉलमर ड्रोज अ बिल ऑन स्टील ₹4,600 फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, स्टील एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू वॉलमर्स हु डिस्काउंट इट ₹4,585 एंड रिमिट्स ऑन 3rd ऑफ द प्रोसीड्स टू स्टील। ऑन मार्च 30 वॉलमर सेंड्स द रिक्वेस्टेड अमाउंट टू स्टील हु मीट्स द बिल ऑन द ड्यू डेट पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ वॉलमर एंड स्टील। तो आपने अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसकी एंट्रीज को सेम उसी तरह से कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हम बिल्स को क्या करें, एक तो एक साइड से एक्सेप्ट हो रहा है और दूसरी साइड से क्या हो रहा है, दूसरी साइड का जो है वो बिल पेएबल है। ठीक है, और बैंक से जाकर हम इस ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से इसकी एंट्री होगी। तो आंसर की तरफ चलते हैं, ये है वॉलमर्स का जनरल। तो यहाँ पर तुम्हें आपको पता है कि जनरल किस तरह से बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट हमने यहाँ पर डेट डाली, उसके बाद में हमने लिखा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्टील। ठीक है, बिल क्या हुआ है, यहाँ पर रिसीव हुआ है कितने रुपए का है, ₹600 का, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया कि बैंक में गए, ठीक है, उसी डेट पे, और जाकर वहाँ से बैंक से डिस्काउंट करा लिया उसने, क्या जो हमारा बिल्स रिसीवेबल था। ठीक है,
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा आया, डिस्काउंट मिला है उन्हें 15 रुपये का, यानी कि इसको ट्रीट करता है एज एन, क्या है यहाँ पर, इसको हम ट्रीट करेंगे एज एन, बैंक ना हमसे इंटरेस्ट काट लेती है इसके ऊपर, तो इसी चीज को हम डिस्काउंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे 15 रुपये का क्या हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। उसके बाद में टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वो कितने का था, 600, ठीक है। स्टील अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, ये हो गया स्टील अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर तो इसको 200 रुपये रिसीव हो गए, उसके बाद में क्या हुआ कि 30 मार्च को जब इनका मेच्योरिटी वाला टाइम था, उस टाइम पे इन्होंने 400 रुपये जो बच गए थे वो भी यहाँ पर आकर पे कर दिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, स्टील जनरल में, ठीक है। तो स्टील का जनरल क्या होगा, वॉलमर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है, सेम वही हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वॉलमर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थर्ड पार्टी इंक्लूड हो गई, वो कौन है, बैंक, ठीक है। उसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट टू वॉलमर अकाउंट और बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।